Gardens, parks, entry gates, basements, godowns, warehouses, street lights. इस फोटो सेल यानी डे नाइट सेंसर की हेल्प से हो सकते हैं ऑटोमेट। जी हाँ दोस्तों, ये है फोटो सेंसर, यानी अब आपको मैन्युअली सुबह होने के बाद लाइट्स ऑफ और रात होने के बाद लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी की तरफ से आया हुआ ये यूनिक प्रोडक्ट ही सब ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर देगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो नीचे ही लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन है, दोनों दबा देना दोस्तों। काफी सारे कूल फीचर्स है इस प्रोडक्ट के। सिंपल फोटो सेल नहीं है ये, इसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है, साथ ही आप हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको वायरिंग डेमोंस्ट्रेशन और रिव्यू दूंगा इस प्रोडक्ट का, तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। फटाक से करते हैं इस फोटो सेल को अनबॉक्स, देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके साथ। तो गाइज यहाँ दो सेल्फ टैपिंग स्क्रूज दिए हुए हैं इसे अटैच करने के लिए। इसमें है मेन यूनिट यानी फोटो सेल, इसको फिलहाल रखते हैं साइड में। बॉक्स में यह है यूजर मैनुअल, सारी कनेक्शन डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी, मैं भी इस वीडियो में वैसे बताने ही वाला हूँ। और ये है एंगल ब्रैकेट फोटो सेल को वॉल या पोल पर अटैच करने के लिए। ये देखिए गाइज, इस एनिमेशन से आपको इजीली समझ जाएगा कि इसे कैसे लगाते हैं। यह है डे नाइट सेंसर, ABS प्लास्टिक मटेरियल की इसकी बॉडी है, डिजाइन भी काफी सॉलिड है दोस्तों। तीन वायर्स हैं यहाँ और बॉटम साइड में इसका एक खास फीचर है, आप इसमें लक्स एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। छोटा पॉट दिया है यहाँ, जहाँ से आप लेफ्ट राइट घुमाकर आपके अकॉर्डिंग लक्स की सेटिंग एडजस्ट कर पाएंगे। लक्स एक्चुअल में दोस्तों डे लाइट सेंसिटिविटी होती है, यानी लाइट के लिए कितना सेंसिटिव होगा ये सेंसर, वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो स्क्रू है गाइस, वो 90° ब्रैकेट लगाने के लिए है, इसे आप तीन अलग अलग डायरेक्शंस में लगा सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट के फिजिकल डायमेंशन की बात करें तो 75 से 80 mm लंबा, टॉप डायमीटर है 35 mm और बेस का जो डायमीटर है वो लगभग 60 mm का है। टेक्निकल फीचर्स की बात करते हैं, इस पर आप दोस्तों 10 एम्पियर तक के लोड को लगा सकते हैं, यानी 2200 वॉट तक के लोड ये हैंडल कर सकता है। बस मेक श्योर कि जो लोड है वो 10 एम्पियर का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। IP44 रेटिंग के साथ आता है ये, यानी रस्ट एंड कोरोजन फ्री है, साथ ही सारे वेदर कंडीशन को ये झेल सकता है और स्प्लैश प्रूफ है, यानी हर डायरेक्शन से अगर इस पर आप पानी मारते हैं तो इस डिवाइस को कुछ भी नहीं होगा। कनेक्शन समझ लेते हैं दोस्तों, अब ये रहा हमारा डे नाइट सेंसर और इसकी तीन वायर्स, रेड, ब्राउन और ब्लू। ध्यान से देखिए, ये वायर कनेक्शंस काफी इम्पोर्टेंट है। ये रहा कनेक्टर। अब दोस्तों ब्राउन और ब्लू वायर को लगाना है हमें 230 वोल्ट्स एसी पावर मेंस में। वायर के कलर्स की तरफ ध्यान देना है दोस्तों आपको, जो लोड होता है वो कनेक्ट होता है रेड वायर और ब्लू वायर के बीच, तो इस डिवाइस पर ब्लू वायर जो है वो कॉमन है लोड और पावर सप्लाई के लिए। इस डिवाइस पर ऐसे ही है दोस्तों कनेक्शंस, एक्चुअल वायरिंग अब देख लेते हैं। दोस्तों मैंने लोड और पावर सप्लाई की न्यूट्रल जॉइंट कर रखी है, तो सबसे पहले इस सेंसर के तीनों वायर्स लगा लेते हैं कनेक्टर से। अब उस कॉमन न्यूट्रल को जो हमने बनाई थी उसे लगाते हैं ब्लू वायर पर, क्योंकि अभी हमने देखा कि ब्लू वायर कॉमन है लोड और पावर सप्लाई के लिए। अब पावर सप्लाई की फेज लगाता हूँ ब्राउन वाले पॉइंट पर। अब रेड वाले टर्मिनल पर लगाता हूँ लोड की रेड वायर। वायरिंग कंप्लीट है दोस्तों, अब टेस्टिंग टाइम। फर्स्ट कंडीशन में मैं लक्स को सेट करता हूँ मैक्सिमम पर। तो दोस्तों इस केस में होता यह है कि जो सेंसर है वो ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है, यानी जरा सा भी लाइट डिम होता है तो ये सेंस कर लेता है और लोड को ऑन कर देता है। ये देखिए
अब लक्स सेटिंग मैं करता हूँ मिनिमम, यानी अब ये लेस सेंसिटिव होगा। आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन करने के लिए इसे पूरा कवर करना पड़ रहा है मुझे। अब थर्ड कंडीशन लगाता हूँ, लक्स सेटिंग को रखता हूँ मैं मिडिल पोजिशन यानी 50% पर। अब ये सेंसर डे और नाइट को बराबर बैलेंस में सेंस करेगा। अब पूरा कवर नहीं करना पड़ रहा है लाइट ऑन करने के लिए, थोड़ा सा कवर किया तो लाइट ऑन हो रही है। तो गाइस क्या थॉट्स है आपके इस डे नाइट फोटो सेल के बारे में, कमेंट करके हमें बता देना। इसे अगर आप खरीदना चाहते हो तो बल्क क्वांटिटी के लिए आपको सिर्फ 160 रुपीज पर पीस इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। ब्लैकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इसे सेल करती है, जिनका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको आगे भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।